लेकिन मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ जो ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, जब तक जिंदा हूँ लड़ती रहूँगी। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी। वो आते थे और जब उनका मन करता था, बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था। मैंने ये महसूस किया है कि जब बहुत अत्याचार होता है तब बहुत बदलाव आता है। A very good afternoon to all of you. First of all, I would like to welcome our honorable chief guest, Honorable Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji, and all the senior dignitaries on the dais, our esteemed guests, and our most amazing awardees. A very, very happy International Women's Day to all of you. जब मैं दिल्ली महिला आयोग में पहली बार आई, तब मैंने देखा कि मुझसे पहले की जो अध्यक्ष थी, उन्होंने 8 साल में सिर्फ एक केस की सुनवाई की थी। हमने पिछले 6 साल में 1 लाख से ज्यादा केसेस की सुनवाई करी है। एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें 181 विमेंस हेल्पलाइन के द्वारा हर दिन 2000 से 4000 कॉल्स हमारी 181 हेल्पलाइन पर आती है। इसके जरिए हम लाखों लड़कियों को डायरेक्टली मदद करते हैं उन तक पहुंचकर, और कई हजार लड़कियों को, बच्चियों को हमने सेक्स ट्रैफिकर्स के चुंगल से बचाया है। 2018 में एक 8 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता से रेप किया गया था दिल्ली में। वो खूनम खून थी, उसके 3 ऑपरेशन हुए तब जाकर उसकी जान बची, और उसके बाद मैं अनशन पे बैठी। मैंने आमरण अनशन करा क्योंकि मेरी ये मांग थी कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे अनशन के 10वें दिन पर देश में ये कानून लाया गया, पर मुझे फिर 1.5 साल के अंदर दोबारा अनशन पे बैठना पड़ा क्योंकि कानून तो आ गया पर लागू नहीं होता। हमें हमारे सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है, और जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। एक ऐसा मैसेज देने की ज़रूरत है क्रिमिनल्स में कि अगर किसी महिला या बच्ची के साथ कुछ गलत किया तो ये सिस्टम तुम्हें बख्शेगा नहीं। ये संघर्ष हम लोग दिल्ली महिला आयोग में दिन रात कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के द्वारा हमने कई बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है, जिसके तहत कभी रेप थ्रेट्स मिलते हैं, कभी मुझे डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के अंदर कुछ लोग घुसाए और उन्होंने पूरे घर तोड़ फोड़ दिया। मुझे डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई कि अगर चुप नहीं होंगी तो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। लेकिन मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ जो ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, जब तक जिंदा हूँ लड़ती रहूँगी। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी, और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊँ। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था, बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ, मेरी मासी, मेरे मौसा जी, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मेरे नानी नाना नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से कभी भी उभर पाती और कभी भी आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर
इतने बड़े बड़े काम मैं कर पाती। मैंने ये महसूस किया है कि जब बहुत अत्याचार होता है तब बहुत बदलाव आता है। उस अत्याचार से आपके अंदर एक ऐसी आग जलती है जिसको अगर आपने सही राह दिखा दी तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। आज जितने भी अवॉर्डीज हमारे बीच में हैं, हर एक कहानी इतनी पावरफुल है। हर एक औरत और आदमी के पीछे ऐसा ही कोई संघर्ष छुपा हुआ है। उन्होंने अपनी जिंदगी से लड़ना सीखा, उस समस्या से ऊपर बढ़ना सीखा और जिंदगी को एक नया मकाम दिया। मुझे ये लगता है अभी हमारे बीच में आने वाली हैं सुपर दादी रामबाई, अभी आप उनसे मिलोगे। मैं उनके बारे में, कुट्टी अम्मा आने वाली हैं, दादी भगवंती आने वाली हैं, आप देखोगे कि वो किस तरीके से उन्होंने कभी हार ना मानने की हम सबको सीख दी है। 96 साल की हैं, 106 साल की हैं, लेकिन उन्होंने हारना नहीं सीखा। आज भी वो जिंदगी से हर दिन लड़ रही हैं और हम सबको लड़ना सिखा रही हैं। इसी तरीके से हमारे जो शहीद हैं उनके परिवार वाले जो आए हैं, उनसे मुझे लगता है हम सबको हमारे देश पे मर मिटने का हौसला मिला है। एक 5 साल की बच्ची की माँ और पिता ने उस बच्ची, जब वो ब्रेन डेड हो गई, तो अपने दुख को कंट्रोल कर कर उस बच्ची के सारे ऑर्गन्स डोनेट करे, जिससे कई परिवारों के घर में दिए जले हैं। तो मैं इन सब लोगों को नमन करती हूँ। आज इतने अच्छे अच्छे अवॉर्डीज हमारे बीच में हैं और उन सब से मैं बहुत सीख रही हूँ और मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा आज ऊर्जा आई है और मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम उन्हें क्या सम्मान देंगे, वो अपने आप में इतने सम्मानित हैं और हमारे मंच पर आकर मुझे लगता है उन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया है। तो मैं उन सब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट टुडेज एक्सपीरियंस, टुडेज डे इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। और मैं जब घर जाऊँगी, आई थिंक आई विल बी मोर पावरफुल, आई विल बी मोर स्ट्रांग, आई विल बी मोर ब्यूटिफुल, एंड आई थिंक द सेम विल बी फॉर एवरीबडी हुज़ अटेंडेड दिस अवार्ड सेरेमनी।